प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 5,500 से ज्यादा शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में बच्चों के लिए खास इंतजाम किए थे। इन सभी स्कूलों में से देहरादून के लक्ष्मण इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत स्कूली छात्र छात्राओं के बीच कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रदेश के करीब 10,00,000 बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना और परीक्षा में आने वाले परेशानियों से उबरने के मूल मंत्रों को भी जाना। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। इम्तहान में सर प्रिपरेशन ये है कि जो भी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमने उसको बड़े ही ध्यान से सुना और उसको ध्यान में रखते हुए जो जो उनके भाषण थे, मेरा मानना तो है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी, मतलब जो उनके भाषण थे उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अब हमारे सर पर हावी नहीं होंगे। मोदी जी ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है हमारी लाइफ को लेके, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब उन्होंने बोला है कभी किसी चीज़ को लेके सेक्रीफाइस नहीं करना, अच्छा करना है पढ़ाई के लिए, आगे मतलब फ्यूचर में हर चीज़ अच्छी रहेगी। सभी बेटे बेटियों को, सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य में जुटी एजेंसियों के अलावा भी बिना अनुमति के यूट्यूबर केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। जनवरी पहले सप्ताह में 2 यूट्यूबर केदारनाथ धाम पहुंच गए। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक उन्होंने एक एक पल अपने कैमरे में कैद कर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद वहां किसी भी तीर्थ यात्री और पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं है, केवल केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य से संबंधित मजदूर व अधिकारी ही यहां आ जा सकते हैं, तो ये फिर यूट्यूबर कैसे यहां बेरोक टोक पहुंच गए। कुछ वीडियोस हमारे संज्ञान में आए थे जिसमें कि चूंकि यात्रा भी बंद है और कुछ पुनर्निर्माण के कार्य उस समय चल रहे थे, तो उसके एवज में कुछ व्यक्ति ऊपर गए थे और उनको हम लोगों ने सख्त हिदायत भी दी है, हमारी जो यहाँ पे नीचे चौकी है गौरीकुंड में भी, और साथ ही हमारी सफिशिएंट फोर्स ऊपर भी है और हम निगरानी रख रहे हैं और कोई भी अनवांछित व्यक्ति ऐसा और किसी को भी जाने की ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। आगामी 30 तारीख को राजधानी देहरादून के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि हम समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। इस बार आगामी 30 तारीख को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 83 मल्टीनेशनल और अन्य कंपनियों को बुलाया गया है। यह कंपनियां शैक्षिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगी। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में दिनांक 30 तारीख को एक प्रातः 10 बजे से एक रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें की लगभग 11 सेक्टर्स की अलग अलग लगभग 44 से ज्यादा कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और युवाओं के लिए 1500 से अधिक वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी हैं, जिसका कि बोर्ड हमने अपने कार्यालय में लगाया भी है और प्रेस के माध्यम से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी किया गया है। रुड़की में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। रोडवेज पर घंटों बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है और यात्रियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने आने वाली 31 जनवरी से पूरे उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखेटी पीपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर प्रकाश में आई है। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 7:30 पर काम को जखेटी पीपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर पुलिस टीम, एसडीआरएफ तथा फायर सर्विस टीम द्वारा मौके पर पहुंच रेस्क्यू कर वाहन में सवार लोगों को जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया है। और जगेटी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया, इसे काफ़ी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें दो लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस
फायर सर्विस और SDRF, ये हमारी टीम गई आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। गाय के कारण भी होगा, तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी गायों को ना सड़क में ना छोड़े। देखो गाय के कारण यदि हादसा हुआ होगा तो बहुत ही बुरा है।